आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से वार्ड नंबर 105 सादत नगर राहुल नगर का ये वार्ड है और इस रोड की ऐसी हालत हो चुकी है कि ये रोड इस कदर खस्ता हालत के अंदर है कि यहाँ पे टू व्हीलर तो छोड़िए पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। आइए यहाँ के कुछ आम जनता हमारे साथ है, यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मतीन अहमद, जिला सरसठनीस, राष्ट्रवादी। सादात नगर वार्ड क्रमांक 105 का ये जो मेन रोड है, ये सादात नगर के लिए एक ही रोड है, इसके अलावा दूसरा कोई रोड नहीं। इसी से जाना और इसी से बाहर आना है। ये काफ़ी दिनों से, कई सालों से इसकी हालत बहुत खस्ता थी। आमदार सिरसाठ साहब पश्चिम मतदार संघ के हैं, इनके जानिब से ये रोड को मंजूरी ली हुई है, लेकिन शासन का कुछ धोरण बीच में तब्दील हुआ, महानगर पालिका के कमिश्नर भी तब्दील हुए, उसके वजह से ये काम जो थोड़ा है ठंडे बस्ते में चले गया। गवर्नमेंट के पास फंड नहीं, ऐसा कमिश्नर चौधरी साहब का बोलना आ रहा था, लेकिन हमने उनको 22 सितंबर को निवेदन दे के 10 अक्टूबर तक का अगर नहीं करते तो हम आत्मदहन करेंगे, ऐसा उनको निवेदन दिए थे। वो ताल्लुक से, ये रोड के ताल्लुक से हलचल हुई, सातारा PI साहब ने बुला के लिए और उन्होंने मध्यस्थी करे कि भैया लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा मत करो, मैं मध्यस्थी करता, मैं अधिकारियों से बात करता और इंशाल्लाह इसका हल निकल गया, बहुत जल्दी ये रोड का काम शुरू हो जाएगा। तो आपको इन्होंने कब तक आश्वासन दिया है, चौधरी साहब या महानगर पालिका ने, ये रोड का काम कब तक चालू करने वाले? ये ज़्यादा से ज़्यादा नवम्बर के 10-12 तारीख के अंदर ही काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये रोड का जो मसला है बहुत सालों से, अभी बीच बीच में जो है भर्ती डाल के गड्ढे भरे जाते, पर अभी जैसी बारिश की वजह से पूरे भर्ती वगैरह बह गई और उन्होंने बीच में हमारे निवेदन देने के बाद ऑर्डर निकाला था कि हम पैचवर्क करके दे देंगे, पर जैसे आप देख सकते हैं पैचवर्क की अवस्था है नहीं रोड की, जगह जगह पर गड्ढे है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत। तो हमने निवेदन देने के बाद जैसा PI मराड़ी साहब ने बीच में आश्वासन दिया कि मैं मध्यस्थी करके करवाऊँगा, और अभी नया 30 कामों का ऑर्डर निकाली है महानगर पालिका ने जो स्मार्ट सिटी के अर्जेंट करेंगे रोड, उसमें से एक ये रोड डाला है संजय सिरसाठ साहब के माध्यम से। इंशाल्लाह नवंबर 10 या 12 तक इसका काम शुरू हो जाएगा, चालू करने का वादा किया है। नहीं तो हमको मतीन अहमद साहब पे पूरा भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने मोहल्ले में जो किए ये भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे कुछ आम जनता से ही बात की है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे ही बात की है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।